गरीब एवं उपेक्षित बच्चों के लिए चलाए जा रहे हमें भी पढ़ाओ केंद्र के बच्चों को आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने ऑनलाइन संबोधन किया। आचार्य ने कहा, केवल शिक्षा के माध्यम से हम सभी वर्गों के बच्चों को जोड़ सकते हैं। आचार्य सुदर्शन ने बताया कि इसी दृष्टि से सरकार ने कौशल विकास योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से शिक्षा के प्रकाश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि उसे रोजगार मिले, और जब कौशल विकास योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार की संभावना मिलने लगेगी तो स्वतः बच्चे मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। ऑनलाइन संबोधन के दौरान आचार्य सुदर्शन महाराज ने बताया कि हजारों बच्चे गली कूचियों, बस स्टैंड और स्टेशनों पर भटक रहे हैं और बुरी संगति में पड़कर विभिन्न बुराइयों के शिकार हो रहे हैं। उन बच्चों को बटोरकर शिक्षा केंद्रों तक लाना आज प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक कर्तव्य हो गया है। लगता है गुलाब का फूल खिला हुआ है, बस इस बच्चे को बचा के रखना। दूसरा, आप लोग जितने भी माता लोग हैं, सब आदमी टीका ले लीजिए। अगर आपने टीका नहीं लिया तो अगली बार फिर आपको हम बुला रहे हैं यहां, तो फिर हम बुलावेंगे नहीं, आने नहीं देंगे, ना आपके बच्चे को पढ़ावेंगे। टीका लीजिए, बगल में फ्री में टीका पाटलिपुत्रा में, कंकरबाग में, राजेंद्र नगर में, सब जगह फ्री में टीका मिल रहा है। हम लोगों ने लिया, पहले ले लिया, आप भी ले लीजिए। और मुझे बताइए, बबीता जी को अब यही कहेंगे, बबीता जी मुझे यह बताइएगा कि सभी माता लोगों ने, उनके फादर ने, उनके भाई ने टीका ले लिया जो 18 बरस के ऊपर के हैं? अगर ले लिया तो बड़ी अच्छी बात है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। लेकिन पहले उसको पढ़ने तो दीजिए। आप कहते हैं जब कोई दुकान करेगा, बिजनेस करेगा, छोटा मोटा काम करेगा, बिजनेस बिजनेस करने का बाद देखा जाएगा आगे। अभी जब तक उसका उम्र 20 वर्ष नहीं होता है तब तक केवल उसको पढ़ाइए, और अगर कॉलेज में पढ़ाना हो वह भी कराइए, हाई स्कूल में पढ़ाना हो वह भी कराते रहिए। कोई दिक्कत हो आप हम लोगों से, हमें भी पढ़ाओ के। कुमारी बबीता सिंह जो यहाँ के प्रभारी है, इंचार्ज है, उनसे आप बात करिए, वो पूरी की पूरी आपकी मदद करेंगे। पढ़ाई में किसी किताब की जरूरत पड़ जाए या किसी प्रकार के खर्च की जरूरत पड़ जाए, वो बबीता जी आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो आप अपने बच्चे को केवल मन बना के रखिए कि इसको पढ़ाना है, और उसी के साथ दो ही चीज हम आपको कहेंगे, बच्चे की सफाई और बच्चों की पढ़ाई। और तुम लोगों को भी यह ध्यान रखना है, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे, बकरी चढ़ाओगे?